राधे राधे मित्रों मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि द्वारिका के बाहर रुक्मणी कृष्णा का प्रतीक्षा करती रहती है। तभी श्री कृष्ण आते हैं तो रुक्मणी श्री कृष्ण से यह प्रतीक्षा करने का कारण पूछती हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अभी मैं तुम्हारे साथ सुखद के कुछ क्षण व्यतीत करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं वन के लिए प्रस्थान करूँगा। जहाँ नियति अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेगी, किंतु जाने से पहले तुम्हारे स्वार्थहीन प्रेम के लिए और तुम्हारे त्याग के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। रुक्मणी, तुम सदैव बिना कोई लालस के प्रेम किया है। इस संसार में सभी प्रेम करते हैं, किंतु जिस निष्ठा से और जिस निस्वार्थ भाव से तुमने प्रेम किया है, कोई नहीं कर सकता है। तुम्हारे इसी निष्ठा प्रेम के लिए इस संसार केवल राधा कृष्ण को ही नहीं, रुक्मणी को भी श्री कृष्ण के अर्धांगनी के नाम से सदैव स्मरण रखेंगे। तुम भी तो सदैव अपना प्रेम व्यक्त किया है, आज मुझे भी अवसर दो। तो बताओ रुक्मणी, आज मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तो रुक्मणी कहती है, इस संसार आपके नाम के साथ मेरा नाम को भी याद रखेगी, इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है। और अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो एक बार फिर बांसुरी के धुन सुना दीजिए, ओ राग मेरा हर कष्ट को हर लेगा। तो श्री कृष्ण माना करते हुए कहते हैं कि राधा के चले जाने के बाद मैं ये प्रण लिया था रुक्मणी की, मैं अब कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा, तो मुझे क्षमा करना। तो रुक्मणी कहती है, आप बांसुरी नहीं बजा सकते तो कोई बात नहीं, किंतु आज तक आपने मेरे साथ सुखद के क्षण व्यतीत किए हैं, वो तो पुनः मुझे दिखा सकते हैं ना? तो श्री कृष्ण चुटकी बजाते हैं और दिखने लगता है। फिर रुक्मणी श्री कृष्ण के कंधे में सिर रखकर कहती है, सुंदर स्वप्न सा प्रतीत हो रहा है श्री कृष्ण, मेरा हृदय तो सदा के लिए आपके कंधे पर सर रखकर मेरा मन आपके साथ बिताए और सुखद स्मृतियां बटोरने का ही मन कर रहा है, ये स्वप्न कभी भी ना समाप्त हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं, ये स्वप्न नहीं रुक्मणी, हमारे सुंदर अध्याय का प्रेम सत्य है। तुम्हें निद्रा अवस्था में ले जाने के लिए मुझे क्षमा करना रुक्मणी, किंतु मेरे जाने का समय आ गया है। यह संसार सदैव तुम्हें और तुम्हारे इस प्रेम का स्मरण रखेगा। फिर हाथ जोड़कर द्वारिका को देखते हुए कहते हैं, मेरे प्रिय द्वारिका, मेरी क्रम भूमि तुमको कृष्ण का अंतिम प्रणाम। फिर कृष्ण वन की ओर जाने लगते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि वन में बलराम जारा का पीछा कर रहे होते हैं और बलराम जारा को रुकने के लिए कहते हैं, किंतु जारा भागता ही रहता है। तो बलराम हल वज्र का आवाहन करते हैं और जारा पर छोड़ने वाले ही होते हैं। तभी श्री कृष्ण वहाँ आ जाते हैं और बलराम को रोक लेते हैं। तो बलराम कहते हैं, कान्हा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कृष्ण कहते हैं, आपसे मैं कहा था ना दोपहर के पश्चात आप मेरे से मिलने आ जाना, पर आप आए नहीं, तो मैं सोचा कि मैं क्यों ना आ जाऊं, आप तो जारा को खोजने में भूल ही गए थे। तो बलराम कहते हैं कि क्या महत्वपूर्ण कार्य आ गया जो तुम इतने घने वन में आ गए? तो कृष्ण कहते हैं, वो महत्वपूर्ण कार्य हमारी अंतिम भेंट है ताऊ, और आपसे मिले बिना पृथ्वी लोक छोड़कर जा नहीं सकता हूँ। तो बलराम कहता है, नहीं अभी सत्य नहीं हुआ है, इतना जल्दी समय कैसे हो सकता है? तुम उपहास कर रहे हो, मैं तुम्हें बालपन से देखते आया हूँ कि तुम मुझसे उपहास करते आए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी भी कुछ भी उपासना करो और मैं मान जाऊं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, ताऊ
जब मैं उपासना कर रहा था तब आप उसे सच मान लेते थे। आश्चर्य की बात है ताऊ, जब आज सत्य कह रहा हूँ तो आपको मेरा उपहास लग रहा है और बलराम के गले मिल जाते हैं और सारी स्मृतियाँ याद करने लगते हैं और दोनों रोने लगते हैं। फिर कृष्ण कहते हैं, बालपन से लेकर आज तक मुझे आप बड़े भाई की भांति नहीं एक पिता की भांति संभाला है। कान्हा के हर ओ नटखट, चाहे मक्खन चुराना हो, गोपियों के मटके फोड़ना हो या माँ बाप के डांट क्यों ना हो, सब में आपने मेरा साथ दिया है और सदैव मेरी रक्षा की है। मेरे हंसी बने, मेरे दुख के आंसू बने हैं ताऊ, आपका स्थान कृष्ण के हृदय में है। कोई इसे चाहकर भी प्राप्त नहीं कर सकता है, संभव ही नहीं है। इसलिए आज आपसे कहना चाहता हूँ, धन्य हूँ मैं जो मुझे आप जैसा बड़ा भाई मिला। आपने इस छोटे भारता का आभार स्वीकार कीजिए। और कृष्ण बलराम का पैर छूते हैं और कहते हैं, ये कोई उपहास नहीं है, सत्य है। बलराम जमीन में गिर कर रोने लगता है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण के पुत्र श्याम और प्रद्युम्न के श्री कृष्ण आदेश दिए थे कि तीर्थ यात्रा में जाने को, पर बीच मार्ग में ही विश्राम के समय श्याम और उसके साथी मदिरा पान करने लगते हैं। फिर प्रद्युम्न के माना करने पर श्याम और उसके साथियों का कहना था कि एक ऐसा तीर्थ यात्रा है, इसे हम नहीं मानते हैं, जो निष्ठा मन से ना किया जाए तो वो तीर्थ यात्रा बेकार है, और वैसे भी प्रद्युम्न मेरे पिताजी के आज्ञाकारी पुत्र हैं। फिर श्याम और प्रद्युम्न के बीच घमासान युद्ध होने लगता है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता गौरी महादेव से कहती हैं, जो भाईचारा प्रेम कृष्ण और बलराम के बीच है, क्या वही श्याम प्रद्युम्न और अन्य अधिवंशियों के बीच होगा, ना संभव है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण घने जंगल में आ जाते हैं और उधर जारा स्वर मृग का पीछा करते हुए वो भी घने जंगल में आ जाता है। अंततः जारा स्वर मृग को देख ही लेता है और सोचता है, ये स्वर मृग कृष्ण के लिए अनमोल उपहार होगा, और तीरबाण चलाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इधर आप लोग देखेंगे कि द्वारिका में दौड़ता हुआ सेवक आता है और रुक्मणी से कहता है कि श्याम और प्रद्युम्न के बीच घमासान युद्ध हो रहा है, जल्दी चलिए। तो रुक्मणी रोते हुए कहती है, जिस कुल को आपने इतने प्रेम से आरंभ किया था वही कुल आज अंत की ओर अग्रसर है। आपने उचित कहा था कि श्री कृष्ण अब कोई चाहकर भी द्वारिका को नहीं बचा सकता है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं, बस कुछ ही क्षण की प्रतीक्षा और मैं अतिशीघ्र तुम्हारे पास आ रहा हूँ राधा। फिर श्री कृष्ण विश्राम के लिए जंगल में लेट जाते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आगे और बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो मित्रों, जल्द ही मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।